आई गेस सबसे फेमस मॉल में, सबसे फेमस जगह है सूर्या मॉल में, जहाँ पर लोग शॉपिंग करने नहीं आते, हम लोग के जैसे इसी की हवा खाने, घूमने भटकने के लिए, या फिर जब घर पे बोर होते हैं तब आते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि जब हम दोनों घूमने निकले ही हैं थोड़ी सी हवा खाने के लिए, क्योंकि तो गर्मी में बाहर कहीं घूमने की जगह मिली नहीं, तो हम लोग यहीं आ गए। तो फिर आज आप लोग को यहीं घुमाती हूँ मैं एंड दिखाती हूँ कि यहाँ पे कितनी मस्त मस्त अच्छी अच्छी जगह है घूमने के लिए, थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए भी। कैसे ये सेट जो यहाँ 750, 800, 1100 का है, बाप रे, हमारे घर संसार में सिर्फ 150-200 का, 30 रुपये, मतलब सेम ही है ये, 30 रुपये सेम है। मैं नहीं ना बे, 40 है ना बाहर। नहीं अरे, अपने सस्ता मार्केट पड़ता है अपने, ठीक ही है, मतलब सब्जी का रेट एकदम ज़्यादा भी नहीं है, वही नॉर्मल रेट ही है बाहर वाले जैसा, गलत रेट है। ले ले, फाइनली हम लोग घुस गए हैं थोड़ा अमीरों का शॉपिंग वॉपिंग करने, जो कि आरती ही करेगी, अभी ड्रेसेस देख रही है। कौन सी ये ग्रीन, हाँ ठीक तो लग रहा है, वैसे आज हम दोनों ग्रीन ही पहने, ग्रीन ग्रीन, पूरा हरियाली छा गई है। करना था नहीं, कुछ पसंद आया भी नहीं लेने के लिए, तो हमने सोचे यहाँ से निकल के जाते हैं कुछ खाने पीने के लिए बाहर। अब वैसे भी थोड़ा शाम हो गया तो सूरज ढल गई है, अब निकल सकते हैं अपन। अभी जल्दी से बनते हैं डाकू, उसके बाद निकलेंगे फिर इस धूप में वापस गर्म होने के लिए। फाइनली वी आर इन स्केची कैफे एंड यहाँ का व्यू मेरे को इतना सही लगता है ना कि अभी मैं सोच रही हूँ आरती को फटाफट बोलती हूँ कि मेरा अच्छा अच्छा फोटो ले ले, फिर मैं उसका ले लूँगी। हमने अभी ये मस्त कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम एंड साथ में ये फ्राइड राइस मंगवा लिया है एंड इसने खाना पीना भी चालू कर दिया है अकेले अकेले। इतना प्यारा डॉगी मिल गया हम लोग को कैफे में। फाड़ दे फाड़ दे, दीदी शॉपिंग कर लेगी मॉल से। नहीं बेटा, इतना क्यूट है, नहीं 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 मेरे एकदम प्यारू है एकदम। शो गया अच्छा है, मस्त खाने के बाद अब इसके साथ थोड़ा सा खेल कूद के और ज्यादा मजा आ रहा है। A few moments later. सभी काफ़ी दिनों बाद, वैसे काफ़ी दिनों बाद नहीं, यहाँ तो आना जाना होते ही रहता है, तो मैं सोची कि घर जाने के पहले हम लोग बैठ के थोड़ा गार्डन में ही सनसेट इन्जॉय कर लेते हैं। इतना सुंदर सामने सनसेट हो रहा है, हो ही चुका है लगभग, ये है खूबसूरत सा सनसेट। यहाँ पे खा रही है मछलियाँ, बहुत सारा खाना एंड तैर रहे हैं डक्स। सारे लोग यहाँ आसपास के अपने घर से चावल आटा ला ला के मछली को खिला रहे हैं यार, इतना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। काश मेरा घर भी यहीं पे पास में होता तो मैं भी डेली आके ऐसी मछलियों को कुछ कुछ खिलाती, बतखों को खिलाती। ये इतनी बेकार बेशर्मों वाली हरकतें लगती है, मतलब यार पूरा गार्डन साफ है, पानी साफ है, फिर बीच में प्लास्टिक का इकले फेंक रहे हैं लोग। इतना सुंदर सुंदर यहाँ पे पूरा कमल खिला है। आज बहुत गर्मी लग रहा है रे, देखो लग रहा है, लग रहा है इसलिए तुम्हें पिछले बार आई थी इतना मस्त हवा चल रहा था, आज उतना ही गर्मी लग रहा है। इतना टप्पा खत्म हुआ है, बारिश कर करके उमस कर दिया है पूरा। सो फाइनली एट होम, अब इतनी ज्यादा थकान लग रही है कि अब बस फटाक से मैं चेंज करके हाथ पैर धो के लेटूंगी। हे गाइस, तो मैं अभी आप लोगों को एक मस्त वाला फ्री का टिप्स देने जा रही हूँ। देखो जब थक जाओ ना एंड कुछ काम करने का मन ना करे, तब बस एक ही काम करो, अपने हाथों में मेहंदी लगवा लो। जो कि मैं अभी अपनी बहन से करवा रही हूँ ताकि उसको प्रैक्टिस भी हो जाए, एंड हाथों में मेहंदी लगे रहेगा तो फिर क्या ही काम कर पाओगे ना, कुछ नहीं, बस मेहंदी लगवा लो सो जाने का, या दिन में लगवाना सबसे बेस्ट होता है, दिन में लगा के बैठ जाओ पूरा दिन। तो अभी मैं ये मेहंदी सुंदर सुंदर लगवा रही हूँ अपनी ये बहना से। सो लुक एट माय मेहंदी, इतना सुंदर सा।
सो मेरी ये ब्यूटीफुल मेहंदी तो हो गई है डन। अब फटाफट जाती हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि काफ़ी भूख लग चुकी है एंड आई एम श्योर मैं दोनों ही खाना खाने के लिए बचे, तो अब हम दोनों ही फटाफट साथ में खाना खाएंगे। मस्त रोटी, कटर का सब्जी, चिकन एंड इसके अंदर है चावल, सब लेके बैठ गए हम लोग। ये बापरे, मतलब जाने का नाम ही नहीं ले रही है। एक तो इसका आग कितना चमक रहा है। भगा भगा मार के भगा, आदत लग गया है इसको। डाल पानी, डाल इसी पे। गई नीचे की नहीं गई? ओ मैडम, डाल पानी, पानी डाल, पानी डाल। कहाँ से डालू पानी, मुंह से करूँ? कैसे करेगी, मुंह से कैसे करेगी अंशु? कुल्ला कर दे। छोटा मग्गा ही दादी उसके पास रख दी। भगी अब भगी, देख लो अंशु चपेट ना मारे तेरे को, वहीं पे रहेगी तो। आजा आजा आजा, गई वो। सुनो मैं टॉर्च दिखाती हूँ, तू पानी ले जा, ले जाके डाल दे। तो एक हाथ से बहन मैं कैसे डालूंगी ना? नहीं तो टॉर्च में दिखा ना, मुझे ऐसे भी दिख रहा है। ठीक है, नहीं मैं तेरा मेहनत दिखा रही हूँ पगली, कि तू कितनी मेहनती है। इस बिल्ली को भगाने के बाद एंड कूलर उलर में पानी डालने के बाद अब हम लोग तो जा रहे हैं सोने के लिए। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।